हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त है बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें दिखाने का। दो तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। एक तरफ बाढ़ से बेखबर दो लड़कियां जो कि बीच नदी में सेल्फी लेने पहुंच गई और फिर से मुश्किल से उनकी जान बचाई गई। दूसरी बाढ़ में जनता की बेबसी की तस्वीर है जो कि पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बाढ़ से उफनती नदी में एक बड़े बर्तन में बैठाकर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ इस तरीके के हालात बने हैं जहां लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और प्रशासन लापता है। एक तरफ सेल्फी लेने का शौक भारी पड़ रहा है तो दूसरी तरफ जनता मजबूरी में बड़े बर्तन में बैठकर नदी पार कर रही है। तो हमने आपको दिखाई एक ऐसी तस्वीर जो आपको सबक देती है, सीख देती है। सबक ये कि किसी भी हाल में ये सोचकर पानी में मत उतरिए कि पानी की लहर बड़ी हल्की है, हम उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि दो लड़कियों ने यही सोचकर सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान आफत में डाल दी। बिल्कुल। उफनती नदी के बीचों बीच पत्थर पर एक दूसरे को थामे खड़ी दो लड़कियां और उनको बचाने के लिए रस्सों, डंडों, ट्यूब और लाइफ सेविंग जैकेट के साथ पानी में उतरे पुलिसकर्मी। इसके बाद शुरू हुआ उफनती नदी में हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन। मोटे मोटे रस्से नदी के किनारे पेड़ पर बांधे गए, उन्हीं को लेकर उफनती नदी में उतरे लोगों ने किसी तरह दोनों लड़कियों को पहले पत्थर से निकाला। लेकिन इसके बाद शुरू हुई भीषण जद्दोजहद। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू करने वालों के भी पांव डगमगाने लगे। पुलिस वाला रस्से को पकड़कर उफनती नदी से निकलने की कोशिश कर रहा था। लड़की पुलिस कर्मचारी के पीठ को कसकर पकड़े हुए थी, लेकिन पानी लगातार जोर मार रहा था। एक दो बार तो ये लोग बहते बहते बचे। उफनती नदी के बीच ये संघर्ष चलता रहा, लेकिन आखिरकार लड़कियों को बचाने में कामयाबी मिली। तब पता चला कि ये लड़कियां अपने ग्रुप के साथ पिकनिक मनाने आई थी। इसी दौरान नदी के बीचों बीच पत्थर पर सेल्फी लेने पहुंच गईं, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आई और दोनों लड़कियां फंस गईं। वो अपने सेल्फी ले रही थी, उसी दौरान तेज बारिश पहाड़ी पे हुई होगी तो अचानक बाढ़ बढ़ गई और ज़्यादा तेज हो गई, तो करीब वो एक घंटे करीब खड़ी रही हिम्मत करके। ये घटना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बेलखेड़ी की पेंच नदी पर हुई। वो तो गनीमत रही कि दोनों लड़कियों को बचाने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने जान लड़ा दी, वरना सेल्फी के चक्कर में तो दोनों लड़कियों की जान आफत में पड़ गई थी। सरकारें लाख दावा कर लें कि लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सामने आई तस्वीर पूरे सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली है। ये बड़े बर्तन में बैठी गर्भवती महिला और उसको नदी पार कराते परिवार वाले, ये तस्वीर जितनी बेबसी को बयां करती है उससे ज्यादा सरकारों और उनके दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस गर्भवती को इसी तरह भगोने में बिठाकर नदी पार कराई गई। गर्भवती महिला को 15 किलोमीटर दूर अस्पताल ऐसे ही पहुंचाया गया। महिला को बीजापुर के गोरला अस्पताल में डिलीवरी के लिए ले जाया गया। मेरी दीदी को गंग में बिठाकर चिंतनाला पार कराए। 15 किलोमीटर दूरी भोपालपट्टनम अस्पताल में 3 बजे एडमिट किए, 10:30 बजे डिलीवरी कराए तो बच्ची खत्म हुई। बदकिस्मती यही खत्म नहीं हुई। इस गर्भवती ने अस्पताल में जिस बच्चे को जन्म दिया वो जिंदा नहीं बच पाया।